हेलो, मैं कृष्णा। टॉपिक जैसा मेरा पुराना रहा है, मनी। मनी एक ऐसा टॉपिक है, मनी एक ऐसा पॉइंट है, अगर आप कभी भी किसी से भी पूछेंगे कि आपको पैसे चाहिए, मनी चाहिए, सब बोलेंगे हाँ चाहिए। कितना चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, विश्व में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो कह दे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए। पैसे सबकी ज़रूरत है, बिना पैसे के किसी का काम नहीं चलना। मगर पैसा क्यों नहीं आ रहा, पैसा कहाँ अटक जाता है, कहाँ पर आपसे कमी रह जाती है कि पैसा नहीं आता? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे कमी रह जाती है क्योंकि कुछ लोग तो बहुत अमीर हैं विश्व में, मगर आप जैसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, मगर पैसा नहीं आता। क्यों नहीं आता पैसा? मैं इसके लिए सिर्फ एक वर्ड बोलता हूं, वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड आपको अमीर होने से रोक रहा है। कैसे रोक रहा है, मैं उसको समझाता हूं। हर इंसान को एक चीज पता है, मैं बार बार वाली लाइन बोलता हूं, एक चीज पता है कि वो क्या नहीं कर सकता। वो क्या नहीं कर सकता ये उसको बहुत अच्छे से पता है, मगर वो क्या कर सकता है ये उसको नहीं पता। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे क्वालिटीज़ हैं, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड टुवार्ड द पॉजिटिवनेस। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। महान संत हुए हैं तुकाराम। तो तुकाराम भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, मगर हैं बड़े गरीब। उनको ये चीज़ें पसंद नहीं कि गांव में जहां वो रहते हैं, वो गांव, वहां पर लोग गलत काम करें, जैसे कि नशा करें, जुआ खेलें, लोगों को एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं। तो लोगों को समझाते हैं, मना करते हैं और बार बार उनको उन चीज़ों के लिए रोकते हैं। लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, लोगों को कभी भी टोकना पसंद नहीं। उन्हें कहा इसका कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाए, या क्योंकि ऐसे तो इसको भगाना आसान नहीं है, भगवान का इतना बड़ा भक्त है, कितना भी कुछ कर लो जाएगा नहीं, तो इसकी बेइज्जती करते हैं, जम के इसकी अपमान करेंगे तो ये अपने आप चला जाएगा। तो वो लोग करते ये हैं कि उनको एक दिन पकड़ते हैं सुबह के टाइम पर, और एक गधा लाए और उस पर बिठा दिया। बिठाने के बाद गंजा किया, सर में चूना लगाया और एक बैगन की माला पहना दी, और पूरे गाँव में घुमाना शुरू किया। जैसे गांव के एक नेचर होता है, अगर कोई भी काम हो रहा होता है इस तरह का, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और पीछे पीछे चलने लगता है, हंसने मुस्कुराने मस्ती करने लगते हैं, बच्चे एंजॉय करने लगते हैं। ये चीज़ उनके साथ भी होने लगी, गांव घुमाना शुरू हुआ, बच्चों ने एंजॉय करना शुरू किया, लोगों ने खुशी दिखानी शुरू कर दी। तो इससे क्या हुआ, हुआ ये कि उनके घर के सामने से भी ये जो चीज़ें हो रही थी वो होती हुई निकली। उनकी पत्नी ने देख लिया, उनको बहुत बुरा लगा, बुरा इस कदर लगा कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगी। मगर वो एक बार चाहती थी उनका पति घर आ जाए, उनको अपनी बात बता दें कि मैं अब इस अपमान के बाद में जिंदा नहीं रह सकती। जैसे ही उनके पति तुकाराम घर आए, तुकाराम बहुत ही खुश होते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए घर लौटे। उनकी पत्नी ने अपनी सारा गुस्सा निकाला, सारी बातें बताई और कहा कि ऐसे नहीं रह चलेगा, हम अब इस गाँव में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुकाराम ने कहा क्यों, ऐसा क्या हो गया कि हम इस गांव को छोड़ दें, और कैसा कब अपमान हुआ कब? उन्हें कहा क्यों, अभी तुमको गधे पे बिठाया था, क्या यह अपमान नहीं था? बोला मैंने उसको अपमान की तरह नहीं लिया। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमारी जब शादी हुई थी तो हम बहुत गरीब हैं, शादी के टाइम पर हम लोगों ने घोड़े का इंजाम नहीं कर पाए थे, तो इसलिए मैं शादी बड़े सिंपल तरीके से करके चला गया था, और ना ही बराती गई थी इतना धूमधाम करते हुए, तो मुझे तो ऐसा लगा कि मैं शादी के लिए जा रहा हूँ, जो कसर रह गई थी उस टाइम पर वो गांव वालों ने पूरी कर दी। मैंने उसको गधा माना ही नहीं, मैं उसको घोड़ा मान रहा था या घोड़ी मान रहा था, और वो जो पीछे लोग हंसते मुस्कुराते हुए नाचते गाते जा रहे थे वो मेरे बराती थे। अब बोलिए जो गंजा कर दिया सो, बोलिए बड़ा अच्छा हुआ। गंजा कर देने से हुआ है कि 6 महीने हो गए थे, बाल नहीं कटवाए थे, और उसके वजह से बाल में डेंड्रफ हो गए थे, तो इन्होंने जब काटने के बाद ऐसा काटा कि अब 6 महीने और कोई मुसीबत ही नहीं है, अगले 6 महीने बाल आएंगे भी नहीं। और जब रही बात चूना लगाने की, तो अब डेंड्रफ भी नहीं होगा, चूना डेंड्रफ का बहुत अच्छा उपाय है। और ये रही बैगन की माला, 8 दिन हो गए थे,
हमने अभी तक अच्छी सब्जी नहीं खाई थी, सब्जी भी नहीं खा पा रहे थे। चल एक हफ्ते का पूरा उपाय हुआ, ले बना सब्जी। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये स्टोरी अपने में पॉजिटिवनेस की एक्सट्रीम है। तुकाराम इट्सेल्फ एक्सट्रीम इन पॉजिटिविटी। उनसे ऊपर का पॉजिटिवनेस का एग्जाम्पल ले पाना, मिल पाना बहुत मुश्किल है। मॉडर्न थिंकर्स भी इस पॉजिटिवनेस तक नहीं पहुंच पाते जो कि तुकाराम जहां पहुंच गए हैं। पॉजिटिवनेस अबाउट आर सेल्फ, पॉजिटिवनेस अबाउट द सोसाइटी, पॉजिटिवनेस अबाउट द सिस्टम, एटीट्यूड टुवार्ड द लाइफ। अगर आपका लाइफ के अगेंस्ट आपका एटीट्यूड है, नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, ये कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल है, तो यकीन मानिए आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आपका एटीट्यूड की प्रॉब्लम है, आपकी थिंकिंग की प्रॉब्लम है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है यदि आपने उसको ठान लिया है तो, यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो। एक आप कभी कहीं घूमने जाते हैं तो आप मान लीजिए आपने एडवांस बुकिंग नहीं करवाई है, आपने भाई रोड घूमने निकले हैं कि जहाँ पर थकेंगे वहाँ जा कर के रेस्ट कर लेंगे, तो क्या करते हैं आप, कहाँ जा कर के रुकते हैं? अपने स्टैंडर्ड की जगह पे जाके रुकते हैं। जो आपका स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के हिसाब से रुकते हैं। कहीं भी तो जाके नहीं रुक जाते ना कि अच्छा यहाँ जगह मिल गई यहीं रुक जाते हैं, या यहाँ पर सुनसान है यहीं रुक जाते हैं, नहीं रुकते ना। मनी भी वैसे ही बिहेव करता है, मनी भी वहीं जाकर रुकता है जहाँ उसके राइट स्पेस दिखाई देता है। उसको लगता है कि यह जगह मेरे इतने हजार रुपए के लायक है तो वहाँ उतने हजार रुपए ही रुकते हैं, और जहाँ उसको लगता है नहीं यहाँ करोड़ों रुके जा सकते हैं वहाँ करोड़ों रुकते हैं। जिस तरह से आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से अपने रुकने का, अपने रहन सहन का ध्यान रखते हैं, उसी तरह से पैसा भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से वहीं रुकता है जहाँ उसको रुकना चाहिए। हर जगह हर किसी के पास पैसा नहीं रुकता, और सिर्फ मैं उसको बोलता हूँ एटीट्यूड। एटीट्यूड अगर बदल देंगे चीज़ें बदल जाएंगी, एटीट्यूड अगर चेंज कर देंगे चीज़ें चेंज हो जाएंगी। बाहरी वर्ल्ड को मत बदलिए कि उसकी सरकार आ गई इसकी सरकार आ गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। कहते हैं पर्सनल डेवलपमेंट जब तक आप नहीं करेंगे आपके पास पैसे नहीं रुकेंगे। पर्सनल डेवलपमेंट कैसे करेंगे? न्यू थॉट पर काम करेंगे, न्यू हॉबीज़ पर काम करेंगे, न्यू गोल्स पर काम करेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग पर काम करेंगे, मोटिवेशनल चीज़ें सुनेंगे, मोटिवेट रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप ये करना शुरू कर देंगे पैसा रुकना शुरू हो जाए।